जोहार साथियों, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद मेरी ओर से। आप सभी ने मेरे शादी समारोह के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सबने मुझे शुभकामनाएं दी, और इस विकट परिस्थिति में कोरोना जिस तरह देश में फैल रहा है, और मुझे खुशी भी थी इस बात की कि मेरी शादी हो रही है, और दुख भी इस बात का था कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं वो मेरे कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो पाएंगे। आप सभी को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप सभी ने हमारी जो अपील थी उस अपील को माना और शादी में शरीक नहीं हुए, जिससे जो भीड़ का डर था हमें वो भीड़ नहीं हो पाई। फिर भी कुछ साथी अपने आप को शायद रोक नहीं पाए, या पता नहीं कुछ साथी पहुंच गए थे, हालांकि संख्या इतनी भी नहीं हुई थी। जिस तरह शादी का कार्यक्रम निपट गया, और कई सोशल मीडिया पे मीडिया ने कई तरीके की बातें की, मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस डूंगरपुर जिले में मैं 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ, और ये जो जनता है उस जनता को मैं दिल से चाहता हूँ। ये लोग मेरे हैं, मैं ये समझता हूँ। तो मुझे भी चिंता है हमारे लोगों की कि हमारे लोग कहीं ना कहीं बीमारी से चपेट में नहीं आए। जिस तरह के ये कहर बरस रहा है वो नहीं बरसे हमारे डूंगरपुर में, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग जिस तरह हमारी अपील पे मेरे कार्यक्रम में व्यक्ति शरीक नहीं हुए, उसी तरह बाकी जो सामाजिक कार्यक्रम हैं या कहीं भी इधर मार्केट में आना जाना है वो नहीं करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और कोशिश करें कि कम से कम हमें घरों से बाहर निकलना पड़े, मार्केटों में जाना पड़े। अगर जान है तो जहान है। मैं वर्तमान में इस स्थिति से गुजरा अभी। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक बार ऐसा अवसर आता है, और मेरा भी अवसर आया था शादी का, तो मुझे भी खुशी थी। और शायद हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पहली बार शायद ऐसा अवसर होगा मेरी जानकारी के अनुरूप कि कोई व्यक्ति विधायक बनने के बाद शादी करे। और कई साथियों ने हमारे मेरी तैयारी, शादी की तैयारी होने से पहले, मैंने खुद की अपनी तैयारी नहीं की इससे पहले, कई साथियों ने कपड़े सिलवा रखे थे, शादी में आने की तैयारी कर रखी थी। और हमारे सारे लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले थे, लेकिन सबने अपना मन मार के हमारी जो अपील थी उसको माना और शादी में नहीं आए। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी उसका कम से कम पालना किया है। मैं मानता हूं कि उस बारात वाले कार्यक्रम में छोटी मोटी कमी रही, लेकिन फिर भी मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारे लोगों ने हमारी बात मानी और कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। आप सभी को एक बार पुनः मेरी ओर से अपील है कि प्रशासन को सहयोग करें, और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो और कहीं भी मार्केट में इधर उधर जाना का बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये महामारी अभी धीरे धीरे गांवों में पहुंच गई है और ये महामारी भयंकर होती जा रही है। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस महामारी को रोकने का एक ही उपाय है कि अपने आप को, स्वयं को अपने घर में सुरक्षित रखना। और आप सभी से एक बात ये भी बता देना चाह रहा हूं कि ये बीमारी जरूर है, हमें इससे डरना भी नहीं है ज्यादा, सावधान जरूर रहना है, बहुत सावधान रहना है। सावधान रहेंगे तो काफी है, क्योंकि जिस तरह पेशेंट जाता है और अपने आप में डर जाता है तो आधी हार तो वो वही मान जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आसपास के पॉजिटिव आते हैं तो डरना नहीं है, सावधानी जरूर बरतनी है, घरों से बाहर निकलना है। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।